% सैलिसिलिक एसिड हमेशा नाइट में ही लगाना चाहिए, क्योंकि इसको वो वाली सीरम होती है जिससे हम देखते हैं ना कोरियन लोगों की स्किन कैसी ग्लास स्किन रहती है, तो उसके लिए। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। जैसे कि गाइस, आज आपको टाइटल और थंबनेल से पता ही चल गया होगा कि आज का वीडियो हमारा कौन से टॉपिक पर होने वाला है। जी हाँ, आज मैं करने वाली हूँ रिव्यू बी बॉडी वाइज के प्रोडक्ट्स का। जैसे कि आप मेरी पुरानी कुछ वीडियोस में भी देखते होंगे कि मैं बी बॉडी वाइज के प्रोडक्ट बहुत ज्यादा यूज करती हूँ। इसके पीछे रीजन है कि इसके प्रोडक्ट हम एक दो सालों से लगातार यूज कर रहे हैं, थोड़े अच्छे रिजल्ट हैं गाइस। बट मैं आपको एक बात क्लियर कर देती हूँ कि ये जो वीडियो है ये स्पॉन्सरशिप वीडियो नहीं है। इसके लिए मेरे को कोई मनी नहीं मिल रहा है, कुछ नहीं मिल रहा है। बस ऐसे ही मन हुआ, क्योंकि मैं ये प्रोडक्ट यूज करती हूँ तो मेरा मन था कि यार क्यों ना आप लोगों के साथ भी इसको शेयर कर लेते हैं। और अभी सारे प्रोडक्ट मैंने ना अभी ही मंगाया है, मतलब रिसेंटली दी ने मेरे लिए ऑर्डर किए थे। सो ये रहे सारे प्रोडक्ट, ये बॉक्स मेरा पुराना है तो सारा सामान मैंने इसी में ही लगा दिया था। आपको दिखा देते हैं आज हमने क्या क्या मंगाया है। सो ये है सारे प्रोडक्ट्स। I wish you both to like sail away. तो दोस्तों, अभी सारे प्रोडक्ट मेरे सामने मैंने सजा के रख दिए हैं और एक एक प्रोडक्ट को उठाएंगे और उसके बारे में आपको बताना शुरू करेंगे। तो सबसे पहले सबसे बड़ा पैकेट लिया मैंने, ये है हेयर हेल्थ गमीज गाइज। तो आपको पता है कि सीजन क्या चल रहा है, बरसात का। बरसात के सीजन में इतना ज्यादा हेयर फॉल होता है, मेरा तो बहुत ज्यादा होता है, दीदी का मेरा बहुत ज्यादा हेयर फॉल होता है। तो ये हेयर फॉल गमीज है, हम पिछले 2 सालों से यूज कर रहे हैं इनको। तो एक गमी, एक दिन में एक गमी खानी होती है, ये टॉफी के जैसी होती है और उसका फ्लेवर भी बहुत अच्छा होता है, थोड़ा टेस्टी भी लगती है ये खाने में। तो ये रही एक टॉफी, सी दिस। तो इसको डेली खाना है, खाना खाने के बाद। और इसका बेस्ट रिजल्ट अगर आपको देखना है तो 3 मंथ्स के बाद आपको देखने को मिलेगा। सो गाइस, ये गमीज है और इसके रिजल्ट मिले हैं, बहुत ज्यादा रिजल्ट नहीं मिले इसके, बट हाँ थोड़े पॉजिटिव रिजल्ट हैं। मतलब कि कुछ दिनों के बाद जब आप रेगुलर यूज करते हो तो हेयर फॉल होना कम हो जाता है काफी हद तक। अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट प्रोडक्ट की, इसका नाम पढ़ते हैं और आपको बताते हैं। ये है पिगमेंटेशन रिपेयर लिप बाम, इसमें SPF 30 है गाइज। तो ये लिप्स के लिए लिप बाम बनाया है बी बॉडी वाइज ने, बहुत ही ज्यादा अच्छा है। इसको लगाने से ना बहुत ज्यादा स्मूथ स्मूथ फील होता है अपने लिप्स पर, और ये हमारे लिप्स को हाइड्रेट रखता है और जो हमारा सन से रेजेस आती है ना तो सन डैमेज से हमारे लिप्स को बचाता है। और ये तीनों यही है गाइज, ये देख लीजिए। और नेक्स्ट मैं एक और वीडियो बनाऊंगी तो उसमें आपको इनको अच्छे से ओपन करके भी दिखाने वाली हूँ मैं। सी ये देखो, ये छोटी सी डब्बी है और इसके रेट की अगर मैं बात करूं तो ये 399 की है, मतलब कि 400 रुपए की आप इसको मान सकते हैं। इतना छोटा सा लिप बाम हमें बी बॉडी वाइज से 400 रुपए का मिल रहा है। तो मेरे को थोड़े से इसके प्रोडक्ट ना कॉस्टली जरूर लगते हैं क्योंकि काफी महंगा है। हो सकता है कि जितने भी स्किन केयर के प्रोडक्ट होते हैं सभी बहुत ज्यादा महंगे होते होंगे, बट ये मेरे को बी बॉडी वाइज के थोड़े से महंगे लगते हैं। जो नेक्स्ट है वो है 2% सैलिसिलिक एसिड फेस सीरम, ये प्रिवेंट करती है एक्ने से, ब्लैक हेड से, स्किन को क्लीन कर देती है और पोर्स को भी फिल करने का काम करती है। इसको ओपन करके दिखाती हूँ और इसका मैं प्रोसेस बता देती हूँ आपको कैसे लगाना है। 2% सैलिसिलिक एसिड हमेशा नाइट में ही लगाना चाहिए क्योंकि इसको लगाने से स्किन थोड़ी सी सेंसिटिव हो जाती है, और अगर हम इसको दिन में लगाते हैं और सन के कॉन्टेक्ट में आते हैं तो स्किन थोड़े से चांसेस होते हैं कि थोड़ा खराब हो जाती है इस वजह से। और मैं इसको ओपन करने की कोशिश कर रही हूँ बट हो गया। तो ज्यादा यूज नहीं करना होता है इसको, इस ड्रॉपर में 1 से 2 ड्रॉप्स लीजिए और सबसे पहले अपने फेस पर टोनर लगाइए, देन 2% सैलिसिलिक एसिड लगाइए और इसको लगाने के बाद आप कुछ भी एक और फेस पे कोई फेस क्रीम लगा सकते हैं, कोई नाइट क्रीम लगा सकते हैं, क्योंकि इसको लगाने के बाद आपने कुछ ना कुछ अपनी स्किन पे जरूर अप्लाई करना होता है, फिर आप आराम से सो सकते हैं। नेक्स्ट हमारा प्रोडक्ट आता है 10% नियासिनामाइड एसिड, ये जो हमारे फेस पर एक्ने मार्क्स होते हैं उसको रिड्यूस करता है, पिगमेंटेशन को भी खत्म करता है। और जो इसको लगाने का प्रोसेस है ना सेम जैसे हमने 2% सैलिसिलिक एसिड लगाया,
सेम ऐसे ही हम 10% नियासिनेमाइड लगाते हैं, और इसको हमने डे में लगाना है। मतलब कि डे में आपने टॉनर लगाया, फिर 2-3 ड्रॉप्स अपने नियासिनेमाइड के अपने फेस पे लगाई, अच्छे से उसको ऐसे ऐसे टैप टैप किया, और उसको लगाने के बाद आपने सनस्क्रीन लगा लिया, दैट्स इट, आपका स्किन केयर हो गया। तो आप देख सकते हैं सेम बॉटल है, सी आईज, और इसमें भी ड्रॉपर है, बट ये पिंक कलर की है। पहले ये भी ट्रांसपेरेंट ही आती थी, बट अब से 1-2 महीने से ये पिंक कलर की आने लगी है। सो इसका रीजन तो बी बॉडी वाइज वाले ही जानते होंगे। है ये जो प्रोडक्ट मैंने दिखाया आपको, इनको मैं पहले से ही यूज करते हुए आ रही हूँ, मतलब कि मैंने इनको पहले यूज किया हुआ है, बट जो अब मैं प्रोडक्ट आपको दिखाऊंगी ये एक भी मैंने पहले यूज नहीं करे हैं। तो अब नेक्स्ट प्रोडक्ट जो है हमारा, उसको मैं बताती हूँ, हाइलुरोनिक एसिड बॉडी वॉश सी। ये गाइस मैंने यूज नहीं किया है पहले, देखो ये मैंने यूज नहीं किया है, इसके बारे में मैं आपको क्या ही बता सकती हूँ, बट दीदी बोल रही है कि बहुत अच्छा होने वाला है। मे बी इसके पॉजिटिव या नेगेटिव जो भी रिजल्ट होंगे, मैं आपको तब इसे जब मैं इसको प्रॉपर खत्म कर दूंगी और उसके बाद मेरे को जो अच्छे रिजल्ट मिलेंगे या बेकार रिजल्ट मिलेंगे वो मैं आपको बताऊंगी। और इसमें लिखा हुआ है कि ये डीप क्लीन करता है स्किन को, और ड्राइनेस वगैरह वगैरह हर चीज से हमको ये बचाता है। सो जब मैं इसको यूज करूंगी तो आपको बताऊंगी। फिलहाल बात करते हैं इसके रेट की, ये भी 399 का ही है। इन दोनों के रेट मैंने आपको नहीं बताया, उसके लिए माफी चाहूंगी मैं। जो हमारा 2% सैलिसिलिक एसिड है ये फेस सीरम, ये 549 का है गाइस, और जो 10% नियासिनामाइड है ये 599 का है, मान सकते हैं कि ये 600 का है। और ये प्रोडक्ट्स हमारे मुश्किल से 1.5 महीना तक चलते हैं, या फिर ज्यादा से ज्यादा 2 महीने तक खींच तान के चल जाते हैं, तो थोड़ा कॉस्टली मेरे को लगता है। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग इसकी, सबसे पहले इसकी बात करेंगे। ये है 1% सैलिसिलिक एसिड बॉडी वॉश, जो कि हमने अब यूज करना है। ये भी गाइस मैंने पहले यूज नहीं किया हुआ है, तो इसके बारे में भी मैं आपको ज्यादा नहीं बता सकती, बट यही लिखा हुआ है इसमें, प्रिवेंट बॉडी एक्ने, एक्ने वगैरह को रिमूव करता है, एक्सफोलिएट डेड स्किन सेल्स। और ये 375 ml मेरे को मिला है इस बॉटल में। और बात करी जाए इसके प्राइस की, तो ये 499 रुपीज का है। सो आप देख सकते हैं, यूज करने का तरीका भी मैं आपको बता देती हूँ। वेट स्किन पर हमने मसाज करनी है स्किन 2 मिनट्स तक, और फिर देन स्किन को रिंस कर देना है। अब आता है हमारा नेक्स्ट प्रोडक्ट, स्नेल 96 म्यूसिन सीरम। म्यूसिन सीरम मतलब कि वो वाली सीरम होती है जिससे हम देखते हैं ना कोरियन लोगों की स्किन कैसी ग्लास स्किन रहती है, तो उसके लिए है ये वाला सीरम, जो कि मैं फर्स्ट टाइम यूज कर रही हूँ, फर्स्ट टाइम ही मैंने मंगाया है। जो भी इसके रिव्यूज होंगे पॉजिटिव निगेटिव, मैं आपको तभी बताऊंगी। बात करते हैं इसके रेट की, तो ये बहुत ही ज्यादा कॉस्टली है, ये 899 रुपीज का है गाइज। और ML की बात करी जाए तो इसके मेरे को मिला है 100 ml, तो इसको ओपन करके मैं आपको दिखा देती हूँ। और इसको भी वही 2 से 3 महीने तक मुझे यूज करना है, और उसके बाद जो भी रिजल्ट मिलेंगे वो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। वाह, देखने में बड़ी प्यारी सी बॉटल है इसकी। इसको हम ट्वाइस अ डे, एक दिन में 2 बार यूज कर सकते हैं, AM PM डेली यूज कर सकते हैं। 3 मंथ्स तक लगातार यूज करना पड़ेगा, तभी इसके बेस्ट रिजल्ट देखने को मिलेंगे, जो कि मैं आपको यूज करके दिखाऊंगी। 3 महीने के बाद फिर से एक और वीडियो आएगा, तब मैं आपको बताऊंगी कि क्या इसके रिजल्ट होंगे। और इसको यूज करना है 2-3 पंप्स या फिर 2-3 ड्रॉप्स हम अपनी हथेली पर लेंगे और उसको अच्छे से यूज करेंगे। नेक्स्ट आते हैं गाइस हम लोग फेस वॉश पर। ये है बी बॉडी वाइज का फेस वॉश, जो कि है 1% सैलिसिलिक एसिड फेस वॉश, ये फॉर्म वाली फॉर्म में होगा। और इसकी प्राइस की बात करी जाए तो ये 349 का मेरे को पड़ा है। ये भी मैं इसका फर्स्ट टाइम ही यूज कर रही हूँ, तो जब भी मेरे को इसके बेस्ट रिजल्ट देखने को मिलेंगे तो मैं आपके साथ एक और वीडियो बनाकर इसको शेयर कर दूंगी। ये यूज किया जाता है रिड्यूस एक्ने कंट्रोल सीबम। इसको यूज करने का तरीका है कि हमको 1-3 ड्रॉप्स अपने हथेली पर लेना है और अच्छे से फेस मसाज करके अपने फेस को धो देना है। और नेक्स्ट और लास्ट प्रोडक्ट पर आते हैं, जो कि सबसे सस्ता सबसे ज्यादा है। इसमें जो ML की बात करी जाए तो कितना ML होगा, 500 ml है गाइस, ये सबसे ज्यादा अमाउंट की चीज है। तो ये देखिए, ये है क्लिट वाटर सॉफ्टनर। तो इसको यूज करने का तरीका बताती हूँ, मैंने अभी तक ये इस्तेमाल नहीं किया।
तो इसको इस मौसम में यूज करना ज्यादा मेरे लिए बेनिफिशियल होगा, इसलिए मैंने इसको मंगाया है। ये रिड्यूस करता है हेयर फॉल को, वाटर को सॉफ्ट बनाता है। कहीं कहीं हम देखते हैं ना, पहले मैं हिल एरिया में रहती थी, या बहुत से लोग जो हिल्स में रहते हैं, माउंटेन्स में रहते हैं, वहां का पानी बहुत ज्यादा हार्ड होता है, तो उस पानी को सॉफ्ट बनाने का काम करता है ये। इम्प्रूव हेयर टेक्सचर, और हमारे स्कैल्प को अच्छे से बिल्डअप करता है, रिड्यूस करता है हेयर फॉल को। और इसका प्राइस की बात करी जाए तो ये 449 में है। सो गाइज, यही थे आज के प्रोडक्ट, और इनका मैं अलग अलग से एक एक 1 मिनट 1 मिनट का अलग अलग वीडियो बनाऊंगी कि मेरे को इनको कैसे यूज करना है। आज तो मैंने खाली इनको आपको दिखा दिया है। अभी आने वाले 1-2 दिनों में मैं अलग अलग डे पर अलग अलग 1-1 मिनट की वीडियो, या 2-2 मिनट की वीडियो, जितना भी हो पाएगा, बहुत अच्छे से डीपली डिफाइन करके हर एक प्रोडक्ट के बारे में बताऊंगी। तो वो भी आप जरूर देखना, जैसे कि मैंने इनके बारे में बता ही दिया है, बट इनको मैं आपको यूज करना, अच्छे से फेस पे कैसे यूज करना है, वो भी मैं आपको अपनी आने वाली नेक्स्ट वीडियोस में बताऊंगी। सो गाइज, आप बताइएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा। अगर आपके लिए जरा सा भी हेल्पफुल रहा है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट कर दें और शेयर कर दें। और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियोस में। सो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।